नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद यादव, आप मेरा मोटिवेशनल चैनल बाय BNY देख रहे हैं। बिहार के राजनीति में 1990 के बाद अब तक कई लोगों का आगमन हुआ और कई लोग वापस चले गए, लेकिन इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में लालू प्रसाद यादव ने जो अपना स्थान गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के बीच बनाया था, उस स्थान को अब तक किसी ने नहीं तोड़ पाया। कुछ सामंती वर्ग के लोग और मनुवादी लोग लालू प्रसाद यादव को पशुपालन घोटाला सहित अन्य घोटालाओं में फंसाकर तरह तरह का लांछना लगाकर प्रचारित करके कुछ दिनों के लिए लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास किया, लेकिन अंततः गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्ग के लोगों के अंदर ये बात आई कि 1990 में लालू प्रसाद यादव जब सरकार उनकी बनी तो उन्होंने जो अभियान चलाया, उन्होंने जो लोगों को जगाने का काम किया, आम लोगों को हक की बात बताया, आम लोगों के मुंह में आवाज देने का काम किया, आम लोगों को अपने अधिकार की मांग करने के लिए सिखाया और कई सालों तक राजनीति में राज करते हुए लालू जी ने कमजोर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसके कारण राजनीतिज्ञ के बीच में काफी उथल पुथल होने लगी कि अगर लालू प्रसाद यादव जैसे राजनीतिज्ञ आम लोगों को जगाएंगे तो अगर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक जाग गया तो हम लोगों की राजनीति रोटी सेकनी बंद हो जाएगी। तब मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने गलत तरीके से ब्यूरोक्रेट्स को इस्तेमाल करके लालू प्रसाद यादव को फंसाने का काम किया, बदनाम करने का काम किया और नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को खड़ा करके, राम विलास जैसे पलट के इधर पलट के उधर जाने वाले को बैकिंग करके किसी भी तरह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और नीतीश कुमार ने यह साबित किया कि वो धर्मनिरपेक्षता और देश के प्रति वफादारी के बजाय भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा वफादार हैं। उन्होंने अपनी आदतों के कारण, उन्होंने अपने आदत को नहीं छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी से पहले भी अभी जाकर लोगों को बताने का काम किया कि मैं भी उन्हीं व्यक्ति में हूँ जिस व्यक्ति ने लालू प्रसाद यादव का दमन किया और लालू प्रसाद यादव को दबाकर आम लोगों के बातों को दबाने का काम किया। गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों को दबाने के लिए, शोषण करने के लिए जो सामंती वर्ग थे उन्होंने प्रोजेक्ट किया नीतीश कुमार को, आगे बढ़ाया नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार के पीठ पर सवार होकर हथियार चलाना शुरू किया और दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों का शोषण किया। लेकिन जनता समझ गई, जनता जाग गई, जनता के अंदर में ये बात सामने आई कि लालू प्रसाद यादव ने हमेशा गरीबों, दलितों,
शोषितों के लिए आवाज उठाया। आज उनके पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने भी कभी सांप्रदायिक ताकतों से हाथ नहीं मिलाया और खुद लड़ते रहे, एक ही बात पर कायम रहे, जिसके कारण पूरे बिहार की जनता का मन और मिजाज राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन की ओर लगा हुआ है और राष्ट्रीय जनता दल को लोगों ने माना कि इसकी लड़ाई सही है, इसने सामंती और मनुवादी लोगों का विरोध किया और आम लोगों को जगाया। लालू प्रसाद यादव की सरकार जाने के बाद गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के साथ फिर एक बार उसी तरह अत्याचार और अन्याय और घनघोर तबाही प्रारंभ हुआ, जिससे लोगों की आंख खुली। ये बात किसी चैनलों में आपको विस्तार से नहीं किसी ने बताया, लेकिन हमने बताया कि लोगों के दिल और दिमाग में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी और सबके हित की काम करने वाली पार्टी, सबके दर्द में खड़ा होने वाली पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल घर कर गया लोगों के दिल में। और लोग ये मानते हैं कि इस पार्टी को अगर मत दिया जाए और इसकी सरकार अगर बनती है तो ये सरकार आम लोगों के लिए काम करेगी, नवयुवकों के लिए काम करेगी। आज जो बिहार की स्थिति है, नीतीश जी उन्हीं सामंती ताकतों और ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं के गोद में जाकर बैठ गए। पूरे बिहार में आतंक और लूट और बलात्कार हत्या का बाजार गर्म है। डीजीपी ने भी कह दिया कि पुलिस असहाय है, पुलिस कंट्रोल से बाहर है, नहीं संभाला जा सकता, तो फिर इस प्रदेश का मालिक भगवान ही है। शोषण चलता आया कमजोरों का हमेशा चलता रहेगा। अगर हम और आप नहीं जागे, अगर हम और आप बहकावे में आए, तो ये सामंती ताकत, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ये मनुवादी व्यवस्था फिर एक बार हम सबों को दबाएगी। इसलिए हमें एक होकर ये सामंती ताकतों को उखाड़ फेंकना है और महागठबंधन जैसे दल के साथ रहकर आम लोगों के हित की सोचनी है। ये मैं निचोड़ आपको पूरे बिहार की वस्तु स्थिति को समझकर मैं दे रहा हूं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं हूं, ना राजनीतिक पार्टी से मेरा लेना देना है, लेकिन मैं अपने अंदर की बात आपको बताया, लोगों के बीच की बात हमने बताया, मैंने सत्य बताया, यही सत्य है। दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों की आवाज उठाने के कारण लालू जी को फंसाकर आज उन्हें सजा याफ्ता बनाया गया, यही सच्चाई है। और उन्होंने ही आप सबों के मुंह में आवाज दी, यही सच्चाई है। इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता, इस सच्चाई को याद रखना होगा। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।